हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स एच सी वर्मा सर के ज़रिए से लिखा गया ये बुक है। और इससे पहले मैंने क्लास टेंथ के लिए भी बनाया था, एच सी वर्मा के बुक का जो रिव्यू था मैंने दिया था। और उसके बाद मैंने कमेंट्स काफ़ी देखे बच्चों के कि सर क्लास एलेवेंथ में कौन सी बुक, जो एच सी वर्मा की बुक है या कोई भी ऐसी बुक है जिसकी रिव्यू जो है आप कर दीजिए। जैसे प्रदीप की मैंने की थी रिव्यू, तो प्रदीप जो बुक थी वो भी फिज़िक्स के लिए मैंने क्लास एलेवेंथ के लिए मैंने किया था और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, तो मुझे लगा कि इसका भी रिव्यू एक बार कर देना चाहिए कि एस सी वर्मा जो फिज़िक्स है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 उसके बारे में जो मेरी राय है, जो मैं सोचता हूँ इस बुक के बारे में, मैं आपसे शेयर करूँ। ठीक है, तो आज मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स 11th क्लास यानी पार्ट 1 वॉल्यूम 1 की बात अभी मैं कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये जैसा कि आप प्रीफेस देख रहे हो ऐसा फेस इसका है, आपकी बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। और ये एक बात मैं बता दूँ, ये हर साल जनरली इसका जो ये कवर है ना ऊपर का, ये आपको चेंज सा मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इस बुक का कंटेंट बदल रहा है बेटा, इस बुक का कंटेंट वही है, कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं आया है। या अगर अगले साल भी इसकी कवर चेंज लगे आपको तो आप समझ लिया कि सिर्फ कवर चेंज है, इसकी जो प्रिंट है वो रीप्रिंट हुई है, बाकी इसके कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, कंटेंट वही रहेगा। चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब क्लास 11th में हम लोग आते हैं, बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं तो क्लास 11th में आने के बाद बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर कौन सी बुक से पढ़ी जाए, कौन सा फिजिक्स का कौन सा बुक लूँ या कौन सा बुक नहीं लूँ रेफरेंस के तौर पर। NCERT तो अपना है ही, लेकिन रेफरेंस के तौर पर कौन सी बुक ली जाए कौन सी बुक नहीं ली जाए। तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि जो हमारा एच सी वर्मा है वो किसके लिए, कैसे स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है ये बुक। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। आपको नेक्स्ट पेज खोलने पे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स वॉल्यूम 1 जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बाय एच सी वर्मा सर। ठीक है, इन्होंने PhD कर रखी है, रिटायर्ड प्रोफेसर भी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स IIT कानपुर में रह चुके हैं, IIT के प्रोफेसर रह चुके हैं, राइट। एच सी वर्मा सर बहुत बड़े ऑथर भी हैं फिज़िक्स के। तो इन्होंने बहुत शॉर्ट में चीज़ों को ना समझाने की कोशिश की इस बुक में। आप चाहो तो इस बुक में थ्योरीज पार्ट नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, थ्योरीज पार्ट में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी हाई है, तो अगर आपको लगता है कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी है और आप समझ पाते हो, आपने काफ़ी 11th क्लास या आप पास आउट हो चुके हो या 11th के मिड में हो, तो आप इसकी थ्योरीज को देख सकते हो, अदरवाइज स्टार्टिंग में आपको इसकी थ्योरीज समझ में नहीं आएंगी। मेरा ये सजेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि आप इस बुक के ना क्वेश्चंस को आप पढ़ो, थ्योरीज कहीं और से लो, कोचिंग सेंटर या जो भी आपके स्कूल्स हैं, जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से आप इसकी थ्योरीज पढ़ो, और थ्योरीज के जो क्वेश्चंस है बेटा वो क्वेश्चंस आप यहाँ से लगा सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ से लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, जो थ्योरीज आपने पढ़ा उसका लेवल, उसका जो इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपको इस बुक के क्वेश्चंस को करने से। आइए हम इसके कंटेंट को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा इस चैप्टर में, इस बुक में सॉरी, वो ये कि इन्होंने चैप्टर वाइज के हिसाब से ज़्यादा इस बुक में ज़्यादा चैप्टर के हिसाब से चलने की कोशिश नहीं किया सर ने टॉपिक वाइज इन्होंने बहुत अच्छे से जो है इस चीज़ को रखा है कि टॉपिक वाइज इन्होंने क्वेश्चंस बनाए और बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने पहले वेक्टर बताए, फिर बाद में मोशन के टॉपिक्स को, जबकि NCERT में पहले मोशन है उसके बाद वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद है। तो कहने का मतलब मेरा कि इसमें इन्होंने टॉपिक वाइज कि बच्चों को क्या पहले समझ में आएगा उसके बाद क्या समझ में आएगा उसके हिसाब से उन्होंने अरेंज किया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को जो है अरेंज किया है। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड जो पहले था चैप्टर में वही, उसके बाद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, कैलकुलस है, वेक्टर है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया और इस तरह से जो है चैप्टर की जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये कंटेंट है पूरा क्लास 11th का फिजिक्स का, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इस तरह से स्टार्ट होता है। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। अब जैसे मैं सबसे पहले चलता हूँ मोशन या फिर कोई एक चाहा, जैसे काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, इन्होंने कुछ थ्योरीज बताई पहले, जो है कोई कॉन्सेप्ट जैसे एक टॉपिक उठाते हैं हम लोग, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया, राइट। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने के बाद अब देखिए जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ आपको बीच में एक एग्जाम्पल नजर आएगा, एक सॉल्व एग्जाम्पल 1 सॉल्व एग्जाम्पल 2, मतलब एग्जाम्पल्स बीच बीच में हर टॉपिक में एक आध एग्जाम्पल इन्होंने रखे हैं, जिस एग्जाम्पल से उस टॉपिक की जो क्लियरिटी है वो मिल जाती है आपको। तो इन्होंने एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली बात मैं आपको ये मैंने बताया कि एस सी वर्मा की जो बुक है बच्चों वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है
जो स्टूडेंट्स ने अभी क्लास वन क्लास एलेवेंथ स्टार्ट किया है वो अभी इस बुक को स्टार्ट भी ना करें, आई मीन टच भी ना करें। अगर आपको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं आपके टीचर्स तो आप करें, वरना अदरवाइज आप खुद से इस बुक से आप क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस टूट सकता है यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन है बच्चे वो थोड़े से एडवांस लेवल के, मैं नहीं कहूँगा बहुत एडवांस लेवल के। ये जो बुक है वो उन बच्चों के लिए होता है जिन जो बच्चे जेई मेंस या जेई एडवांस या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए ये बुक जो स्पेशली है रिकमेंड की जाती है इस बुक को, एच सी वर्मा को। तो जो लोग क्लास एलेवेंथ अभी स्टार्टिंग में हैं, आई मीन अभी उनका जो पूरा एकदम जो माइंड सेट है वो प्रिपरेशन टाइप नहीं बना है, तो आप इस बुक को अभी स्टार्ट ना करें। जब टीचर आपके सजेस्ट करें तभी आप इसको स्टार्ट करें, राइट। तो इस तरह से उनके लिए बुक है। तो आप देखो यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह बीच में उन्होंने मोशन, फिर उसके बाद फ्री फॉल को उन्होंने एक्सप्लेन किया, फ्री फॉल बॉडीज, उसके बाद प्रोजेक्टाइल है, फिर मतलब इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन करके। और देखो ये तो बीच बीच में सॉल्व एग्जांपल है ही, अब हम चलते हैं थोड़ा कंटेंट, क्वेश्चन कंटेंट के आगे। क्वेश्चन कंटेंट में क्या है इनके, देखो सबसे पहले क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने 11 है ना 12 13 14 क्वेश्चंस इन्होंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं। 14 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 14 क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर है, मतलब कुछ छोटे छोटे आंसर्स में इनके जो है इसका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। अब है ऑब्जेक्टिव, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये हो सकता है आपसे हो भी जाए, हो सकता है आपसे ना भी हो, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टू, ऑब्जेक्टिव टू में थोड़ा सा लेवल यहाँ पर जो है लेवल भी, और ख़ास करके टॉपिक में जो वो होता है जनरली जो इलेबोरेशन होता है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऑब्जेक्टिव टू में। अब है एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 13 है ऑब्जेक्टिव वन में और ऑब्जेक्टिव टू में 10 क्वेश्चंस है टोटल। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको बड़े भी होंगे छोटे भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस होंगे जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन भर भर के आपको मिले, भर भर के जैसे 45 आपको दिख रहा हो यहाँ पर, हाँ 52 क्वेश्चंस एक्सरसाइज, और उसके फिर आंसर्स भी आपको शॉर्ट के ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव वन शॉर्ट के नहीं है इसमें आंसर, ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू और एक्सरसाइज के आंसर्स इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन कंटेंट है बेटा वो इस बुक का कुछ ऐसा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसको आप थ्योरीज वगैरह पढ़िए, आप थ्योरीज वगैरह की इन्फॉर्मेशन लीजिए अपने टीचर से, और बीच बीच में जैसा आप 11th क्लास आपका हो गया है लगभग मिड, आप 11th मिड में पहुँच गए हो, 4-5 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिया है, उसके बाद जाकर के आप इसके क्वेश्चंस को उठा के चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या वहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, तब आप जाकर के यहाँ से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसा मैंने फील किया मैंने आपको बताया, अगर आपको ये सही लगा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपको इससे रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे, और अपने भी थॉट्स शेयर कीजिएगा अगर आपने सॉल्व किया इस बुक को या। और इसकी जो प्राइस है बेटा वो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पर प्राइस आपको देखने को मिलेगा 495, पर मैं आपको बताता हूँ अगर आप ऑनलाइन सर्च कर दो, ऑनलाइन अमेजोन पे आपको 370-375 या 380 के बीच में आपको इसका जो है वो मिल जाएगा। मैं लिंक भी डाल दूंगा आपके, आप उस जो है शॉपिंग की जो लिंक है वो मैं आपको अमेजोन से डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप जो कर लीजिएगा। प्रदीप की मैंने की थी, प्रदीप का भी मैंने रिव्यू किया था, अगर आप देखना चाहते हैं प्रदीप की जो बुक है फिजिक्स की उसका रिव्यू आप अगर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो जाके चेक कर लीजिएगा, प्रदीप का भी रिव्यू आपको मिल जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो बिगनर्स के लिए है, वो जो बुक है प्रदीप वो बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आप 11th क्लास स्टार्टिंग में हो तो आप उसको ज़रूर देखिए, स्टार्टिंग या मिड में आप पहुँच गए फिर भी 11th में हो तो आप उस प्रदीप के रिव्यू को ज़रूर देखना, क्योंकि आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है बहुत सारा कुछ, उसके बारे में आइडियाज़ मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको चाहिए कि कौन सी फिजिक्स की बुक सबसे बेस्ट है क्लास 11th एंड 12th के लिए, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, मैं आपके लिए इस पे भी स्पेशल वीडियो ज़रूर शूट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर।